वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगी। खैर, आज का टॉपिक जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उसका लास्ट लेक्चर है, और ये लेक्चर प्रॉपरली मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए बनाया है, और थोड़ा बहुत उनके लिए जो बच्चों ने डाउट पूछे हैं। खैर, तो मैं इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टर्म्स में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस क्या क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन में ही सीखते हुए कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए कि जैसे मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपसे, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा, ईजिली आप समझ सकते हो। सपोज़ करो कि मैंने आपसे ये कहा, एक रूम हीटर है, ठीक है, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया, किसी कह सकते हो करंट सप्लाई से कनेक्ट किया गया, और ये जो रूम हीटर है, समझना, ये ना 100 ओम का था। इसी के साथ हमने आपसे कहा एक बल्ब लगाया गया, कितना, ये 100 वॉट और 110 वोल्ट का बल्ब था। इसकी रेटिंग मैं दे रहा हूँ आपको, ये इसका 100 ओम है, और ठीक है, और इसका ये रेटिंग है, इस बल्ब की रेटिंग है, और इसका रेजिस्टेंस देखिए मैंने, ठीक है। जो बैटरी सप्लाई दिया, मान के चलो मैंने आपसे कह दिया कितना है, 220 वोल्ट। अब सप्लाई से इसे कनेक्ट किया जाता है, हमने आपसे कहा इन गिवन फिगर, बहुत इजी, गिवन फिगर फाइंड हीट जनरेट आफ्टर 2 मिनट। अब बहुत सिंपल, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है आपको, कि सर समझ में तो आ जाएगा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और हम इक्विवेलेंट, मतलब इसमें करंट निकालने या पोटेंशियल से ही चीज़ें हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे। अब इसमें दो बात है, अब देखो इसमें मैं मिक्स का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पावर भी है, उसका पावर है, उसका अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल भी है, जितने सप्लाई से दिया जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम कर दे रहे हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी, 110 वोल्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट बाद वो कितना हीट जनरेट करेगा या हीट कितना कंज्यूम करेगा। तो ध्यान से देखो, सिंपल गिवन वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं, तो गिवन में R1 पहला रेजिस्टेंस जो हीटर का है वो दिया गया है 100 ओम, ठीक है बेटा, 100 ओम। दूसरी की बात मैं करूं तो इस बल्ब का पावर गिवन है 100 वॉट, और इसका पोटेंशियल गिवन है कितना, 110 वोल्ट। तो इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे क्या, इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे इस बल्ब का रेजिस्टेंस, आओ R। अब आपको एक रिलेशन अगर याद हो, थोड़ा सा पावर के टर्म्स में एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, याद है, वी आई था वी स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालूँ, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वी स्क्वायर बाई पी, मेरा बेटा वी कितना था मेरा बच्चा, 110, ठीक है, स्क्वायर, पी कितना था मेरा बच्चा, 100, ओके, कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 121, ठीक है, 121 वोल्ट। खैर, ये मुझे रेजिस्टेंस दूसरे का मिल गया। अब ये दोनों किस में हैं, सीरीज में, तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर सिंपल R1 प्लस R2, R1 कितना 100, R2 कितना 121, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 221। गॉट इट भैया, कितना इजी था, इतना ओम हो गया। अब ये किस सप्लाई से जुड़ा गया, इससे। तो आपसे मैं पूछूं 2 मिनट बाद वो कितना हीट जनरेट करेगा, सी बेटा आपको मैंने वो सिखाया, H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। अच्छा दोनों,
जब ये आपसे नॉर्मली, देखो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये ना कहे कि हीट कैलोरी में निकालिए, तब तक आप 4.2 या 4.18 से डिवाइड नहीं करोगे। अगर आपसे वो कहे कैलोरी में करने के लिए, तभी वो कॉन्सेप्ट करना है, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे निकालो। इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आई को हम, आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, याद है आर टी, अरे फॉर्मूले से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया मेरा बच्चा, आप कहोगे सर वी स्क्वायर बाई आर टी। अब वी, ये जो हीट निकाला जाता है इसमें जो पोटेंशियल होता है वो सप्लाई का दिया जाता है, सप्लाई का कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 221, और टाइम कितना था मेरा बच्चा 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब हुआ 2 × 60 60, ठीक है। खैर अब सॉल्व कर लो तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, H की वैल्यू क्या हो जाएगी 121, ठीक है, × 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 221, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बेटा फटाफट, 121 ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 14 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1452 डिवाइडेड बाई 221 × 10³, ठीक है। अब जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इधर साइड में हम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.57 × 10³ जूल। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे ले सकते हैं, H इज इक्वल टू 6.57 किलो जूल, ठीक है। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, जैसी आपकी मर्जी। तो देखो ये कितना सिंपल सा था, ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी हमें आपको, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ाए रहोगे तो चीज़ें ईजिली क्लियर होती हैं। ओके फाइन, अच्छा चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल ये हो गया, नोट कर लो फटाफट, तो नोट करो तो दूसरा करें, हो गया। चल भैया तो आप समझो, सेकंड आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें क्लियर आउट होती रहेंगी, ठीक है। आ जाओ, सपोज करो मैं आपसे ऐसे कहूं, एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ जो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बताते रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन अ हाउस 10 बल्ब ऑफ 100 वॉट, वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वन हीटर ऑफ 500 वॉट, ठीक है, वन टीवी ऑफ 200 वॉट एंड टू फैन ऑफ 100 वॉट, ऐसे समझ लो सिर्फ इतने, आर यूज्ड रेगुलरली फिफ्टीन आवर्स, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 आवर्स क्या 10 आवर्स कर देते हैं, ठीक है, 10 आवर्स। Find total amount of the electric bill
आफ्टर वन मंथ। ये वन मंथ में कभी कभी ये बोल देता है कि जैन का फैब का, तो वो दिन के हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आफ्टर वन मंथ। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ और दे रहा हूँ, यहाँ एक नोट दे रहा हूँ कि इफ इलेक्ट्रिक बिल जो है वो कितना है, 4.4 रुपीस पर यूनिट। इलेक्ट्रिक बिल मान के चलो मैंने आपसे दे दिया कि 4 रुपीस पर यूनिट है। अब मुझे इतना हम घर में रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ये पूछा जाता है अक्सर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हीट वाले क्वेश्चन तो आप समझ गए, एक समझ गए, लास्ट टाइम पे भी एक दो पता है, तो उससे आप क्लियर आउट हो जाएंगे। ये कुछ नया ढंग का क्वेश्चन है कि ऐसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब देखो पहली बात, इसके लिए एक टर्म्स होता है, सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ यूनिट। अब चूंकि देखो है क्या बेटा कि यहाँ सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे रेगुलरली 10 आवर्स यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब आप कहोगे सर हीटर भी, हाँ हो सकता है ठंडी का सीज़न हो, 10 घंटा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रेगुलर इतना यूज़ हो रहा है तो हम इसी को मेन कंसिडर करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे गर्मी में आ जाए तो हीटर तो 10 घंटा चलेगा नहीं, हीटर हो सकता है मतलब 1 घंटा ही इस्तेमाल हो, जहाँ खाना वाना बनाया जा रहा है व्हाटएवर। तो उस केस में अगर इंडिविजुअल दिया जाएगा तो अपन पहले इंडिविजुअल हीटर, हीटर का अलग, बल्ब का अलग, रेफ्रिजरेटर का अलग, सब अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं तो सबका इंडिविजुअल यूनिट निकालते हैं, फिर टोटल यूनिट ऐड कर लेते हैं। लेकिन इस केस में चूंकि एक ही साथ है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट जो निकालेंगे वो सबके लिए एक साथ निकालेंगे। तो टर्म्स या फॉर्मूला क्या होता है, पहले कि नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉट। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल वॉट कितना है, इनटू आवर्स कितने घंटे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू डेज कितने दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 1000। ये रूल है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बस सिर्फ इतने ही फॉर्मूला याद रखना है। अब सी मेरा बेटा, अगर मैं कहूँ 10 बल्ब, अभी ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल वॉट पहले आप निकालो, तो आओ टोटल वॉट कैसे निकालते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। टोटल वॉट कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा सर पहली बात तो फॉर बल्ब आई जाए, बेटा बल्ब की बात करें तो एक बल्ब 100 वॉट का था, तो 10 बल्ब कितना, 1000 वॉट यूज करेगा, ठीक है। एक हीटर 500 फॉर हीटर, देखना बेटा कितना ऐसा है फॉर हीटर, तो एक ही हीटर है तो अपन क्या करेंगे 1 × 500, कोई बात नहीं 500, समझना ठीक है। आ जाओ टीवी, वो भी एक ही है, 5 है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 × 200, 200 ओके। लेकिन दो फैन है, फॉर फैन दो फैन है, और एक फैन 100, तो 200, वाह रे वाह, इतने ही थे अप्लायंसेस, 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। तो अब अगर मैं कहूँ टोटल वॉट तो कितना हो जाएगा, सिंपल ऐड कर लो तो 5 × 4 9, हाँ 1900, सोचो मेरा ये आ गया। अब सी मेरा बेटा, बहुत सिंपल, चूंकि नंबर ऑफ यूनिट मेरे को निकालना है बेटा, सो फर्स्टली वी वुड हैव टू फाइंड आउट डेज। डेज कितना, वन मंथ की बात कर रहा है, तो सिंपल सा फंडा, अगर आपको नॉर्मली रिचार्ज कराते हो मोबाइल का तो 1 महीना कितने दिन चलता है, 32 दिन चलता है क्या, हाँ कहोगे सर 31 दिन तो चलते ही नहीं, 30 दिन चलता है, अब वो भी 2 दिन कम कर दिया 28 दिन, 20, लेकिन आपको 28 डेज नहीं लेने, 1 मंथ का अप्रॉक्स मतलब होता है 30 डेज, ठीक है। हाँ अगर पर्टिकुलर मंथ कह दिया जाए, जैसे जो मंथ 31 डेज वाले होते हैं उनको अगर मैं कह दिया जाए, उस पर्टिकुलर मंथ का नाम ले लिया जाए, तो हम अपन 31 काउंट करेंगे, क्योंकि बिजली है भाई वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो तो पूरा नंबर ऑफ यूनिट जितना काउंट करेगा उस एक दिन का भी वो कंसिडर होगा, तो टोटल वॉट कितना हो जाएगा 1900। यूज़ कितना कर रहे हैं, 100 आवर्स, तो मैंने कहा था 1 महीने 30 डेज की बात हम करेंगे, डिवाइड बाई 1000, दिस इज कैंसिल आउट, तो आ जाओ कितना आ जाएगा 57 0। ये इतना मेरा बच्चा इतना यूनिट आया,
यानी उसे एक महीने इतना सामान इस्तेमाल, ये आप अपने घर पे कर सकते हो, आप अपने घर के सारे फैन वगैरह सब चेक कर लो तो आप ये इजीली आप खुद घर पे काउंट कर सकते हो कि एक महीने अगर हम रेगुलर ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो एक महीने का अप्रॉक्सीमेटली बिल हमारा कितना आएगा। सपोज करो एसी वगैरह सब आप अपना घर का देख सकते हो तो आप यूनिट काउंट कर सकते हो खुद बैठे बैठाए। अब खैर नंबर ऑफ यूनिट आ गई, अब ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा एक महीने। तो अगर मैं कहूँ तो प्राइस ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट कितना है तो आप कहोगे सर चार रुपये, फोर रुपीज। तो प्राइस ऑफ 570 यूनिट कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 570 इंटू फोर, पाँच सौ सत्तर यूनिट का बिल कितना आया 2280 रुपये, समझ लो 2280 रुपीज़, 2280 रुपीज़ आया। ये आप ऐसे, अब ये आपके लिए नया क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये दिल दिमाग में एकदम बैठा लेना, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, नोट कर लो नोट कर लो, ये आपके लिए नया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग नंबर ऑफ यूनिट निकालना सीख जाओ और इसकी जगह एप्लीआंसेस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा अगर अलग अलग एप्लीआंसेस अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो हम यही फॉर्मूला लगा के अलग अलग यूनिट निकालेंगे सबके लिए, और नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे अलग अलग निकालेंगे जब टोटल यूनिट की बात होगी तो उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है। सपोज करो हमारा बल्ब कुछ अलग यूनिट खा रहा है, हीटर अलग यूनिट खा रहा है, क्योंकि अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है, टाइम अलग अलग है, तो ऑब्वियसली इस बात टीवी अलग यूनिट खा रहा है, तो चारों के लिए नंबर ऑफ यूनिट अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि यहां एक ही एक साथ सारे 10 घंटे इस्तेमाल हो रहे थे, टोटल एक महीने के लिए वन मंथ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, दैट्स व्हाई अपन ने टोटल वॉट एक साथ ही निकाल लिया। अदरवाइज इंडिविजुअल ये हो रहा था हम इंडिविजुअल यूनिट निकालते, और इंडिविजुअल अगर यूनिट निकालेंगे तो फाइनली टोटल यूनिट उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रही। इंडिविजुअल यूनिट निकाल के टोटल यूनिट निकाल लेंगे, उसके बाद यूनिट मुझे पता चल गया तो एक यूनिट की प्राइस मुझे पता ही होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा, अपने से थोड़ी पता होती है, ठीक है, उसके बाद निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ने का मतलब ये होता है कंजप्शन बढ़ता है जब इलेक्ट्रिसिटी का, तो प्राइस उस लेवल से बदलता चला जाता है। आपके घर में देखना कि जब आप एक एसी चलाते हो तो उसका लोड अलग होता है, 1 किलोवाट का हो गया, जब आप 2 AC 3 AC 4 AC 10 AC यूज़ कर रहे हो तो उस तरीके से लेवल बढ़ता चला जाता है, वाट का कंजप्शन बढ़ता चला जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जिसकी वजह से आपको क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता है। आप कभी ध्यान से देखना जो कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग यू नो जैसे मार्केट में आप कहीं सिविलाइज में चले जाओ, बिग बाजार मॉल्स शॉपिंग मॉल में PVR वगैरह व्हाटएवर कहीं भी जाओ तो वो सारी कह सकते हो कि कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है। अब उनमें क्या होता है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी का रेट अलग होता है, तो सबके रेट के अकॉर्डिंगली अलग अलग टर्म्स होते हैं, लेकिन निकालने का तरीका सिर्फ यही है, ठीक है बेटा, ओके हैव डन, ओके फाइन, रब कर दे आ जाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, सी बेटा, आप देखोगे क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ये अमीटर है, ठीक है। अभी समझो मैंने आपसे कहा यहाँ एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, मज़ेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी है 3 ओम का, दिस वन इज, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन गिवन फिगर In given figure, find reading of ammeter and heat produced by combination
या बाई बाई कॉम्बिनेशन हाई कर देते हैं, कॉम्बिनेशन आफ्टर 10 मिनट। कह रहे 10 मिनट बाद अगर ये पहली बात तो हमें इसका रीडिंग बताना है कि एमिटर कितना रीड कर रहा होगा, ठीक है, और दूसरा 10 मिनट बाद ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। आओ सिंपल सा केस, इसको स्विच ऑन करते हैं, करंट सप्लाई हमारी स्टार्ट हो जाए। अब आप समझो मेरा बच्चा, करंट सप्लाई जैसे इस जंक्शन पर पहुंचा तो ये कितने पार्ट में टूट जाएगा, दो। ये करंट गया मान चलो आई, तो यहाँ पहुंचा, दो पार्ट में हो गया आई वन और आई टू। अब देखो ये वाला करंट देखो वही जा रहा है आई वन, यानी जब सेम करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब आपके दिल दिमाग में एक बात याद आएगी कि सर आपने लेक्चर में बताया था कि ये दोनों अगर सेम करंट को पा रहे हैं दोनों रेजिस्टेंस, तो डन एंड श्योर कि दोनों आपस में कैसे होंगे, तो आप कहोगे सर बोथ आर इन सीरीज। ओके, तो इधर से आई वन आया और इधर से आई टू पहुंचा, तो ये कंबाइंड होके इसमें आया क्या, दिस वन इज अगेन आई। खैर ये आ जाए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो ये और ये सीरीज में कितना आ गया, 3 और 3 6 ओम। अब ये और ये पैरेलल, ध्यान से देखना, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ, ये आर वन प्लस आर टू हुआ मतलब 3 प्लस 3 हुआ, तो आपने 6 ओम बताया, दिस वन इज। अब इसका मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/r, ऐसे कर लो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, तो 1/r कितने किसके इक्वल हो गया, तो आप कहोगे सर दिस वन इज 6। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, आ जाओ 3/6 1/r, कितना आ गया, अरे वाह अरे वाह, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, ये भी आ गया 0.5, यानी इस पूरे का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 0.5। तो आओ अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ, तो यानी ये रेजिस्टेंस ऐसे आ गया मेरा बेटा, बहुत सिंपल। देखना बेटे, इसको रिजॉल्व करने के बाद मैंने देखा अमीटर हो गया, की हो गया, ये आया 0.5 एक रेजिस्टेंस, दिस वन इज 0.5 दूसरा, दिस वन इज ऑल्सो 0.5 तीसरा। अब तीनों फिर से किस में हो गए, सीरीज में, तो हम कहें आर इक्विवेलेंट कितना आया, तो आपको सर 0.5 प्लस 0.5 कितना आ गया मेरा बच्चा, 1.5। लेकिन मेरे बेटे इसको सप्लाई किससे दिया गया, तो इसको सप्लाई मान के चलो मैंने कह दिया 3 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, ठीक है, 3 वोल्ट की सप्लाई जोड़ा गया, ध्यान से समझना, तो 3 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, वो तो मैंने अभी एग्जांपल में दे दिया, 3 वोल्ट में अभी सप्लाई नहीं दिया था, 3 वोल्ट मैंने मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 3 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, वी वांट टू फाइंड आउट द फर्स्टली रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी करेंट आई, आई इसको क्या होता है, वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, याद है, तो वी की वैल्यू कितनी थी, 3 1.5.0 सिंपल 2 एम्पियर। आप कहोगे सर अभी बड़ा सिंपल सा था, हाँ बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये तो आ गया करंट। अब अगर मेरा बच्चा मैं कहूँ कि ये पूरा कॉम्बिनेशन हाउ मच हीट जनरेट, हाउ मच हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा था ये कॉम्बिनेशन, तो आप कहोगे सर वो तो बड़ा सिंपल, कैसे मेरा बच्चा, हीट प्रोड्यूस तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सी बेटा, आई 2 स्क्वायर 4, आर 1.5, टी 10 मिनट्स, 10 × 60 मेरा बच्चा कितना हो जाएगा, 60 × 60, अरे वाह अरे वाह, बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया, यानी आ गया 3600 जूल, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में 3.6 किलो जूल भी कह सकते हैं, 3.6 किलो जूल, ठीक है। देखो सिंपल, तो ऐसे भी हम लोग हीट का क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, नोट कर लो, देखो कितना आसान है, फटाफट नोट करो, इजी है ना। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और हम लोग करेंगे क्या, छोटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा, मतलब फटाफट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा मेन मकसद था, और बाकी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए मेरे बच्चे, और हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे, ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।